subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary. And in this video, I am going to discuss about the cellular homeostasis and their basic feedback mechanism. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे cellular homeostasis के बारे में और उसके basic feedback mechanism के बारे में या feedback loop system के बारे में. And this topic is the most important of the cell physiology and the cell pathophysiology. ये दोनों में ही बहुत ही important topic है, इससे questions frequently आते ही हैं. And if you want to watch my previous videos regarding the pathophysiology, you can check the description box below or by using this link. So let's start the topic. सो होम्योस्टेसिस, जो आपका होम्योस्टेसिस है, बेसिकली होम्यो मीन्स होता है होमोजीनस और आपका है स्टेटिस मतलब होता है स्टडी स्टेट. तो मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसका स्टडी स्टेट, उसका बैलेंस्ड मेंटेन रखना या होना ही एक तरीके से आपका होम्योस्टेसिस है. तो बेसिकली होम्योस्टेसिस मीन्स बैलेंस्ड स्टडी स्टेट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट. हमारा जो सेल है, हमारा जो एक नॉर्मल सेल है, वो एक डिफाइंड एक नैरो रेंज पे काम करता है. उसकी बेसिक फिजियोलॉजी फिक्स्ड होती है, वो उसी वे पे काम करता है. अगर किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट पे, तो किसी भी स्ट्रेस जब हमारे बॉडी के अंदर में अप्लाई होता है तो हमारे सेलुलर फंक्शंस को चेंज करता है. उस सेलुलर फंक्शंस चेंज होने के कारण जो हैं उनकी फिजियोलॉजी जो हैं अल्टर होंगी, चेंज होंगी. उससे जो उनका प्रोसेस है या उनकी जो एक्टिविटी है या बढ़ेगी या घटेगी, तो उसकी वजह से ही है जो हमारे बॉडी के अंदर में जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, जो एक नॉर्मल रेंज है, चाहे वो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, हार्मोन लेवल हो, बॉडी टेम्परेचर हो या फिर आपके ब्लड प्रेशर्स हो, ये एक नॉर्मल लेवल पे काम करते हैं, नॉर्मल रेंज पे काम करते हैं, वो या तो बढ़ेंगे या घटेंगे ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ द सेल्स फिजियोलॉजी एंड ड्यू टू द स्ट्रेस. तो उसी को मेंटेन रखना, उस नॉर्मल रेंज को मेंटेन रखना ही एक तरीके से होम्योस्टेसिस है. सो बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ रेगुलेटिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी. तो ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे जो लिविंग बॉडीज़ हैं, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, स्टडी स्टेट में रखते हैं, ताकि वो लॉन्ग समय तक सर्वाइव कर सकें. अगर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट पे, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस अप्लाई होगा, वो स्ट्रेस आपके जो सेल्स के फिजियोलॉजी हैं, स्ट्रक्चर हैं, उसको अल्टरेशन करेंगे. उससे उनकी एक्टिविटी या कम होगी या बढ़ेगी. उससे जो है उनमें सेल इंजरी के चांसेस होंगे और फर्दर वो डिसीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं, और कभी कभी इरिवर्सिबल सेल इंजरी के थ्रू वो डेथ भी हो सकते हैं. सो देयरफॉर होम्योस्टेसिस इज द नेसेसरी टू सर्वाइवल ऑफ द लाइफ. नाउ कम टू द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द होम्योस्टेसिस. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स. फर्स्ट इज द सेंसर और रिसेप्टर, सेकेंड इज द कंट्रोल सिस्टम और कंट्रोल यूनिट और कंट्रोलर, एंड थर्ड इज द इफेक्टर्स. सो बात करें हम वन बाय वन, तो पहले हम बात करेंगे सेंसर्स की या रिसेप्टर्स की. मीन्स सेंसर मीन्स सेंस करने वाला, मीन्स दीज दे बेसिकली मॉनिटर द कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड और अल्टरेशन विथ इन द बॉडी. तो जो भी आपकी स्ट्रेस की वजह से अल्टरेशन होंगे उसको मॉनिटर करता है आपका सेंसर. सेंसर फिर अपने हिसाब से सिग्नल भेजता है आपके कंट्रोल सिस्टम को, कंट्रोल यूनिट को. मीन्स कंट्रोल सिस्टम द सेंटर विच रिस्पॉन्ड टू सिग्नल ऑफ सेंसर्स एंड कंपेयर द अल्टरेशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द नॉर्मल एंड डिसाइड टू द एक्टिवेट द इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी पाथवेज एंड दिस आर द नर्वस सिस्टम. तो बेसिकली आपके जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं या कंट्रोल यूनिट हैं, वो आपके एक तरीके से नर्वस सिस्टम्स हैं, चाहे बात करें हम CNS की हो, चाहे बात करें हम PNS को ही हो. तो ये आपके बेसिकली जो हैं सिग्नल्स जो भी आते हैं आपके सेंसर से, तो वो उसको सेंस करता है, उसको सिग्नल को रिसीव करता है, और जो भी अल्टरेशन होते हैं उसको नॉर्मल से कंपेयर करता है कि ये जो वैल्यूज हैं वो बढ़े हैं या घटे हैं. अगर वो बढ़े होंगे तो उसको कम करने के लिए जो पाथवे आपके पास होंगे उनको एक्टिवेट करेंगे, मीन्स इनहिबिटरी पाथवेज को एक्टिवेट करेंगे. अगर वैल्यूज़ कम हुए होंगे तो जो भी बढ़ाने के लिए पाथवेज हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, मीन्स दे एक्टिवेट्स द एक्साइटेटरी और एसलेटरी पाथवेज. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज द इफेक्टर्स. तो बात करें हम इफेक्टर्स की, सो बेसिकली दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस एंड रिस्टोर द इक्विलिब्रियम और स्टडी स्टेट. तो ये जो आपके जो भी सिग्नल्स आएंगे कंट्रोल सिस्टम से, उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टडी एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेगा, उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा.
तो बेसिकली इसमें जो है आपके हार्मोन हैं, आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, लोकल हार्मोन्स हैं, पैराक्राइन ग्लैंड्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सब आते हैं जो कि उस फिजियोलॉजी को कंट्रोल करते हैं, वो रेगुलेट करते हैं, या तो एक्टिविटी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, डिपेंड ऑन द अल्ट्रेशन। अगर बढ़ा होगा तो कम करेंगे, कम हुआ होगा तो बढ़ाएंगे। तो बेसिक जो ये लूप है, ये फीडबैक लूप है, वो बेसिकली आपके नेगेटिव फीडबैक लूप है। हमारे बॉडी के अंदर में जो मैक्सिमम पाथवेज हैं वो नेगेटिव फीडबैक की तरह काम करते हैं, जो हम आगे बात करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली जब बात करें हम सेंसर्स की, सेंसर जो है बहुत सारे अलग तरीके से हो सकते हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंसर्स, लाइक फर्स्ट इज द बेरो रिसेप्टर्स, मीन्स द रिसेप्टर्स विच सेंस द अल्ट्रेशन ऑन द प्रेशर। तो ये आपके प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये आपके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है हमारे बॉडी के अंदर में। जब भी आपके प्रेशर जो हैं कम होंगे या बढ़ेंगे, उसको सेंस करके जो है फर्दर एक्टिविटी को एनहेंस या डिक्रीज कर सकते हैं। फिर आपका कीमो रिसेप्टर्स, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर में जो केमिकल्स इन्वायरमेंट हैं वो चेंज होंगे, तो उसको सेंस करता है और वो सबसे रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर आपका थर्मो रिसेप्टर्स, मीन्स दे सेंस द और दे मॉनिटर द टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट इज द मैकेनिको रिसेप्टर्स, मीन्स दे मॉनिटर द मैकेनिकल चेंजेस विथ इन द बॉडी। सो दीज आर द बेसिक रिसेप्टर्स। तो जब भी आपके जो होमियोस्टेसिस है, मतलब बैलेंस स्टेट है, सपोज आपका बैलेंस स्टेट है, जब कोई वैल्यू किसी कारणवश इंक्रीज हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उस इंक्रीज को जो है सेंसर के पास जाते हैं सिग्नल्स। ये सेंसर फिर उस चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और फिर वो फ्रंट न्यूरॉन्स के थ्रू अपना सिग्नल्स को इनपुट के थ्रू भेजते हैं आपके कंट्रोल सिस्टम पे, कंट्रोल यूनिट पे। ये कंट्रोल यूनिट उस अल्ट्रेशन को एनालाइज करता है और डिसाइड करता है कि ये जो वैल्यूज हैं कम हैं कि बड़े हैं नॉर्मल वैल्यू से। अगर वो बड़े होंगे तो इन्हिबिटरी पाथवे को एक्टिवेट करेंगे और कम हुए होंगे तो एक्साइटेटरी पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। उसके थ्रू ये इफेक्टर को सिग्नल देंगे रिस्पॉन्स करने के लिए। फिर वो इफेक्टर उस हिसाब से उसके उसमें जो इन्वॉल्वमेंट ऑर्गन्स हैं या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, न्यूरो हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं, पैराक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको रिस्पॉन्स देगा। उस हिसाब से जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे ताकि वो जो वैल्यूज हैं वापस ठीक हो सकें। मीन्स इस तरीके से जो हैं वापस नॉर्मलाइज होते हैं। अगर बढ़ा होगा तो वापस घट जाएगा और घटा होगा तो वापस बढ़ जाएगा, ड्यू टू द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अल्ट्रेशन बाय द इफेक्टर। सो दिस इज द बेसिक फीडबैक लूप सिस्टम और फीडबैक सिस्टम और द वेरियस कंपोनेंट विच आर इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस। नाउ कम टू द फीडबैक मैकेनिज्म और फीडबैक सिस्टम और फीडबैक लूप्स पाथवे ऑफ द कंपनसेटरी पाथवे और द होम्योस्टेसिस। तो बात करें हम लोग फीडबैक सिस्टम की, तो जो भी पाथवेज हैं, जो भी अल्ट्रेशन है, उस अल्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है उसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम। मीन्स फीडबैक सिस्टम्स आर द कंपनसेटरी पाथवे और द मैकेनिज्म और द लूप्स दैट वर्क्स अकॉर्डिंगली टू द अल्ट्रेशन, आइदर अपोज द प्रोसेस मीन्स नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और फेवर द और एम्प्लीफाई द प्रोसेस दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो बात करें फीडबैक सिस्टम्स की, तो दो प्रकार के होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। पहला है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स। नेगेटिव मतलब होता है अपोज करना या उल्टा हमेशा बोलना। जब भी हम कुछ बात बोलते हैं, जब भी कुछ पाथवेज होते हैं, उसके अपोजिट जब कोई बोलता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये नेगेटिव पर्सन है, हमेशा ही उल्टा बोलता है। तो नेगेटिव मतलब होता है अपोज करना। तो मीन्स जो भी अगर जो भी पाथवेज हैं वो चेंज हुए होंगे, अल्ट्रेशन हुए होंगे, या तो अल्ट्रेशन कम हुआ होगा या बढ़ा होगा। अगर डिक्रीज होगा तो उस वैल्यू को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, और वैल्यू अगर इंक्रीज हुए होंगे तो उस वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे आपके फीडबैक सिस्टम। वो है आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, मींस अपोज द और रिवर्स द ऑनगोइंग पाथवे और प्रोसेस और द वैल्यू टू मेंटेन द होमियोस्टेसिस। मींस नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स दे एक्ट टू द रिवर्स द ऑनगोइंग प्रोसेस व्हेन वैल्यू गो बियॉन्ड और आउटसाइड द रेंज, आइदर बिलो और आइदर हायर। तो ये आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं। बात करें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की, तो दे फेवर्स द और एम्प्लीफाई द प्रोसेस। तो ये कुछ सर्टन कंडीशन पे ही होते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही होते हैं। जो मेन है आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं, वही एक तरीके से होमियोस्टेसिस को क्रिएट करता है, उसको मेंटेन रखता है। लेकिन जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं वो होमियोस्टेसिस को फॉलो नहीं करता, उसको मेंटेन नहीं करता, उसको ब्रेकडाउन करता है, जो कि हम समझेंगे बाद में डिटेल में। तो पहले बात करते हैं हम लोग नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स की। तो हम समझ गए हैं जब भी बॉडी के अंदर में अल्ट्रेशन होंगी, उस अल्ट्रेशन के अगेंस्ट में अपोजिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगे और उस अल्ट्रेशन को ख़त्म करेंगे। मींस जो वैल्यूज जो बढ़े होंगे या घटे होंगे उसको रिवर्स करेंगे, उसको रिस्टोर करेंगे। वो है आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर में सिस्टम्स होते हैं, मेनली वो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो हार्मोन कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल हो, या बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो, या पीएच कंट्रोल हो।
तो हमारी बॉडी के अंदर में हर पॉजिटिव के अगेंस्ट में एक नेगेटिव होता है, हर बढ़े हुए पाथवे के अगेंस्ट में एक घटो घटा हुआ पाथवे भी होता है। वो जो कंट्रोल है वो बेसिकली आपके नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में रहते हैं तो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं थर्मो रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन बाय द इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जैसे कि बात करें हम इंसुलिन की, तो जब भी ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज़ होगा तो उसको कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन बेसिकली आपके ग्लूकोज लेवल को कम करता है। सिमिलरली जो ग्लूकागॉन है वो अपोजिट काम करता है। अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ होगा तो उसको बढ़ाने के लिए ग्लूकागॉन रिलीज होगा और वो इंसुलिन की एक्टिविटी को कम करेगा और अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल को फिर नॉर्मलाइज करेगा। तो इस तरीके से आपका जो काम करता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स, ये आपके नॉर्मल वैल्यू हैं। अगर ये नॉर्मल वैल्यू इंक्रीज होते हैं तो वो डिक्रीज करता है और डिक्रीज होंगे तो इंक्रीज करता है। तो दीज आर द बेसिक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स। नाउ कम टू द बेसिक पाथवेज ऑफ दिस सिस्टम विथ एग्जाम्पल। तो हम बात करेंगे एग्जाम्पल में ब्लड प्रेशर कंट्रोलिंग सिस्टम का या ब्लड प्रेशर रेगुलेशन का बाय द बेरो रिसेप्टर्स। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ये आपका नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल स्टेट में है, स्टडी स्टेट में है, जो कि एक तरीके से होता है आपका 120 अपॉन 80 mF ऑफ SG। 120 इज़ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इज़ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो किसी भी स्ट्रेस, जब भी आपकी बॉडी के अंदर में कुछ भी स्ट्रेस अप्लाई होगा तो ये स्ट्रेस कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन कॉज करेंगे। सपोज़ वो जो स्ट्रेस है वो पाथवे को बढ़ाने के लिए होंगे सपोज़, तो उस कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर है आपका इंक्रीज़ होगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उस प्रेशर से जो स्ट्रेच होगा आपके कैरोटिड आर्टरी पे या फिर आपके ऑर्टिक आर्च पे, तो वहाँ पे होते हैं आपके बेरो रिसेप्टर्स एंड देट आर द सेंसर्स फॉर द प्रेशर। तो ये रिसेप्टर्स सेंस करेंगे उस अल्ट्रेशन को, बढ़े हुए प्रेशर को, फिर ये सिग्नल्स भेजेंगे आपके नर्वस सिस्टम्स पे जो कि आपका कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल सिस्टम्स हैं। ये फिर कंट्रोल सिस्टम्स उस अल्ट्रेशन को एनालाइज करेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो जो हैं उसके अंदर में जो भी आपके पाथवेज हैं उनको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेगा बेस्ड ऑन द वैल्यूज। तो इस केस में जो है आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो उस पाथवे को कम कर देगा जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उन पाथवे को इंक्रीज़ कर देगा जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है या सीवेज की एक्टिविटी कम होती है। तो बेसिकली आपका तीन मेन पाथवे होते हैं वहाँ पे। एक है आपका कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर, एक है आपका कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, एक है आपका वेसो मोटर सेंटर। तो जाहिर सी बात है नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि आपका कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम जो है पाथवे जो हैं वो आपके कार्डिया की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए उस पाथवे को ये इनहिबिट करेगा। मीन्स नर्वस सिस्टम डीएक्टिवेट और इनहिबिट द कार्डियो एक्सेलरेटरी सिस्टम और सेंटर, और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर्स को एक्टिवेट करेगा ताकि जो है आपका ब्लड प्रेशर कम हो सके, तो इसको ये एक्टिवेट कर देगा। और बेसिकली वेसोमीटर सेंटर्स कंट्रोल द वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वेस्कुलर ल्यूमेन, चाहे वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो या वेस्कुलर डायलेशन हो। तो बेसिकली इस कंडीशन पे जो है हमको चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो, मतलब वेसो डायलेशन हो, तो उस केस में जो वेसोमीटर सेंटर्स हैं वो भी डीएक्टिवेट होंगे ताकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें और वेसो डायलेशन हो सके, ये भी आपका इनहिबिट होगा। तो बेसिकली कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर्स वो हैं आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन बेसिकली कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो यहाँ पे ज़रूरत है कम करने की, इसलिए इसके थ्रू जो हैं ये जो पाथवे हैं ये कम हो जाएंगे और आपका ये जो पाथवे हैं आपके सेकेंड पाथवे क्या आपका पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिससे आपके एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है जो कि आपका इफेक्टर है, वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे ताकि आपके सीवेस की एक्टिविटी को कम कर सके। तो अल्टीमेटली एड्रेनलिन की वैल्यू, एड्रेनलिन की रिलीज जो है कम होने से और एसिटाइलकोलिन का रिलीज बढ़ने से आपके जो सीवेस के अंदर में जो रिसेप्टर्स हैं उनके हैं वो एक्टिवेट या डीएक्टिवेट होंगे। उसकी वजह से मेन जो इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन, डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड डिक्रीज इन द वेस्कुलर रेजिस्टेंस और वेसो डायलिटेशन एंड देट मे रिस्टोर द ब्लड प्रेशर अगेन। तो इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर जो है रिस्टोर होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक नेगेटिव फीडबैक लूप सिस्टम। तो सेम ये काम करते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है किसी कारण से कम हुआ होगा तो ये जो पाथवे हैं वो कंप्लीट उल्टा होगा। अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये एक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, आपका ये एक्टिवेट होगा, ये डीएक्टिवेट होगा, उससे अल्टीमेटली फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन
बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ेगा और बीपी वापस बढ़ जाएगा. सो दिस बेसिक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम. नाउ कम टू द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम. सेकेंड इज द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, मीन्स ऐसे सिस्टम जो पॉजिटिवली काम करते हैं. मीन्स पॉजिटिव का मतलब होता है हाँ में हाँ मिलाना एक तरीके से, मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको वो इन्हेंस करता है, उसको कम नहीं करता. अगर वैल्यूज कम हो रहे होंगे उसको और कम करेगा, वैल्यूज बढ़ रहे होंगे उसको और बढ़ाएगा, या जो प्रोसेस हैं उनको उस तरीके से हैंडल करेगा. इसका मतलब जो बेसिक डिफरेंस है आपके नेगेटिव और पॉजिटिव का वो यही है. नेगेटिव जो है एक तरीके से आपका होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखता है, ये आपकी रिस्टोर करता है, बट ये रिस्टोर नहीं करता पॉजिटिव. पॉजिटिव जो है हमेशा उसको इंक्रीज करेगा उस पाथवे को, चाहे वो इनहिबिटरी हो चाहे एक्साइटेटरी हो. तो मीन्स पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स दे एम्पलीफाई द प्रोसेस एंड द वैल्यू एंड ब्रेक डाउन द होमियोस्टेसिस इन द सर्टन कंडीशन. ये कुछ कंडीशंस में ही अप्लाई होते हैं, ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होते हैं. बट जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं वो आपके जितने भी रेगुलेटरी पाथवेज हैं उनमें इन्वॉल्व होते हैं, वो हमारे बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं. बात करें एग्जांपल के रूप में तो है आपका चाइल्ड बर्थ कंडीशन, मीन्स यूट्राइन कंट्रैक्शन ऑन द चाइल्ड बर्थ, एंड सेकंड इज द ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. तो हम बात करते हैं एग्जांपल में चाइल्ड बर्थ को लेकर. तो जब भी आपकी बेबी डिलीवरी का समय आता है तो जो डिलीवरी के समय जो बेबी हैं वो आपके सर्विक्स पे, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके सर्विक्स पे प्रेशर जनरेट करता है कॉन्ट्रेक्शन के लिए. उससे जो है कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगा, मीन्स प्रेशर ऑफ द चाइल्ड ऑन द सर्विक्स में स्टार्ट द कॉन्ट्रेक्शन, एंड द फर्दर जो है कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने के कारण जो है वहाँ पे जो सर्विक्स पे जो सेंटर हैं वो आपके सेंस करेंगे, उसको ब्रेन तक भेजेंगे, ब्रेन फिर उसके अकॉर्डिंगली प्रेशर और जनरेट करने के लिए हार्मोन रिलीज करेगा बाय द फैक्टर, वो है आपके ऑक्सीटोसिन. मीन्स ब्रेन मतलब मोर प्रेशर ऑन द सर्विक्स में सिग्नल सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन एंड में इंक्रीज द रिलीजिंग ऑफ द ऑक्सीटोसिन, एंड दिस ऑक्सीटोसिन फर्दर काज द इन्हेंस द कॉन्ट्रेक्शन प्रोसेस. वो जो ऑक्सीटोसिन है एक तरीके से कॉन्ट्रेक्टर है, वो आपके यूट्राइन को और कॉन्ट्रेक्शन करेगा अंटिल टू द बेबी बर्थ. तो जब भी और कॉन्ट्रेक्शन होगा आपके सर्विक्स पे वो और ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा जब तक कि आपका बेबी बर्थ नहीं होता है. तो इस तरीके से जो पॉजिटिवली फीडबैक सिस्टम्स हैं वो काम करते हैं, मीन्स दे इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस. अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द होमियोस्टेसिस एंड द बेसिक फीडबैक सिस्टम्स. एंड इफ यू वॉन्ट टू नोट दिस लेक्चर प्लीज टेक ए स्क्रीन शॉट, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन. That motivates me. And in last, thank you. Keep watching.